है cos square theta plus 1 over 1 plus cos square theta is equal to 1. हमारे पास trigonometric identities है, उनको use करते हुए हम इसको solve करेंगे. पहली identity हमारे पास sin square theta plus cos square theta is equal to 1. सेकेंड है हमारे पास secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. थर्ड है हमारे पास cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. ये तीन आइडेंटिटी है हमारे पास, इन तीनों को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें. तो शुरू करते हैं. पहले हमारे पास cos square theta, इसको हम ऐसे रखते हैं फिलहाल, cos square theta plus, हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 1 प्रूफ करना है. हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं, मींस ये वाली साइड, cos square theta plus 1 over 1 plus cot square theta. cos square theta plus 1 over, ये है 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta, मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं cosecant square theta. ये हो गया हमारे पास cos square theta plus 1 over cosecant, होता है हमारे पास sin square theta, sin square theta. ये हो गया cos square theta plus sin square theta, sin square theta plus cos theta is equal to 1. तो ये आ गया हमारे पास 1, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड. इजी था वो समय आइडेंटिटीज को यूज करना था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा. हमें इसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा. तो पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो ये दोनों की टर्म्स एलसीएम में आएंगी हमारे पास. ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. अब ये पूरी टर्म एलसीएम में है. अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे. तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा. 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है. अब इस पूरी टर्म को 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा. 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा. माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, ये है हमारे पास ए प्लस बी, ये है हमारे पास ए माइनस बी. मीन्स ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. मीन्स इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का. तो यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारे पास 1 और बी क्या है साइन थीटा. तो ए का स्क्वेयर मीन्स 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस बी का स्क्वेयर मीन्स साइन का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा. अभी आगे 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. अगर हम इसे लिखे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर मैं साइन स्क्वेयर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगी कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. तो ये यहाँ पे हमें यही रिक्वायर्ड थी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू किसके है कोस स्क्वायर थीटा की. तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया हमारे पास 2 ओवर 2 इंटू 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा. 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू सिकेंट स्क्वेयर थीटा.
प्लस हमें प्लस के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर सेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास सेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। कोस स्क्वायर थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा वन। ये हो गया वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर कोस स्क्वायर थीटा। वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। वन ओवर कोस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यही हमारी थी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हमारा जो है क्वेश्चन प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन इक्वल टू वन प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले तो क्या हो जाएगी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये है हमारे पास a प्लस बी और ये है a माइनस बी। मीन्स यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मीन्स इस पूरे की जगह पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो ये हो जाएगा a क्या हो जाएगा वन, वन का स्क्वेयर वन आएगा माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है साइन तो साइन का स्क्वेयर करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब हमारे पास क्या है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा के। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो इस पूरी की जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वेयर सीकेंट क्या होता है कोस का उल्टा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। कोस स्क्वेयर थीटा के साथ कोस स्क्वेयर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड।